हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्लस टू क्लास इंग्लिश लिटरेचर का हमने सिलेबस किया था और आज हम उस सिलेबस को शुरू कर रहे हैं। हमारा सिलेबस शुरू हो चुका है। जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर करवाया था कल, वो आपके सिलेबस में एक्चुअली नहीं है, मिसिंग है। तो मेरे पास थोड़ी पुरानी बुक थी, तो नई बुक में जो आपका सिलेबस आया, जो मैंने आपको करवाया, उसके अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो वेरियर अगेंस्ट बीड्स है। ये फर्स्ट चैप्टर है, न्यू बुक में इसको फर्स्ट चैप्टर का नाम दिया गया है। ठीक है, वेरियर्स अगेंस्ट बीड्स आज हम करेंगे, फर्स्ट चैप्टर आपकी बुक का। सिलेबस के अकॉर्डिंग डियर टू ऑल द माउसेस बुक का नाम है। ठीक है रजे, तो वेरियर्स अगेंस्ट बीड्स, बीड्स क्या होता है? जो जंगली घास होता है उसको बीड्स बोलते हैं। जंगली घास मतलब जो बहुत ही हार्ड होता है, जो जल्दी जल्दी से मरता नहीं है किसी भी चीज़ से, तो वो होता है बीड्स। वेरियर योद्धा होते हैं। योद्धा मतलब जो किसी काम पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, किसी काम को अचीव कर लेते हैं, उसको वेरियर्स बोलते हैं। फाइट करने के बाद जो काम पे विजय प्राप्त कर लेता है उसको योद्धा कहा जाता है। तो वेरियर्स जो होते हैं, वेरियर्स हैं जो योद्धा है, वो किसके अगेंस्ट है? बीड्स, जंगली जो घास है उसके अगेंस्ट वो कैसे जंग कर रहे हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडिया, पहले मैं आपको समरी बता रही हूँ, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंडिया हैज़ मैनी प्रॉब्लम्स, इंडिया के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में। लेंटिना कैमरा एंड ओरिएंटल प्लांट वाज इंपोर्टेड फ्रॉम लेटन अमेरिका सेंचुरी अगो। एक सदी पहले लेटन अमेरिका से एक प्लांट को इम्पोर्ट किया गया था, इंडिया में लेके आया गया था। वो प्लांट का नाम वो क्या था? लेंटिना कैमरा प्लांट नाम है ये प्लांट का। आपको एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि जो अमेरिकन लेटन अमेरिका से प्लांट इंपोर्ट किया गया था, उस प्लांट का नाम क्या है? तो उस प्लांट का नाम है लेंटिना कैमरा। ठीक है, ये कहाँ से इंपोर्ट किया गया था? लेटन अमेरिका से इंपोर्ट किया था। कब? सेंचुरी अगो, एक सदी पहले। In some regions it grows so thick and wide that is very difficult to penetrate it. कुछ regions, कुछ राज्यों में, कुछ states में क्या हुआ, ये जो plant था वो grow हुआ, बड़ा, बहुत ही thick, पतला और wild था। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इसको उखाड़ना, इसको जो मिट्टी से उखाड़ना बहुत मुश्किल था। दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पेंटीट्रेट इट। 10 years अगो इन अ विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश नेम नुकु चैतला, उत्तर प्रदेश का एक विलेज है, गांव है, वहाँ का एक स्कूल हेडमास्टर था जिसका नाम था चंद्रशेखर लुमिनी। 10 साल पहले एक उत्तर प्रदेश में एक विलेज था नुकु चितल, उसका हेडमास्टर था स्कूल का जिसका नाम चंद्रशेखर लुमनी था। सॉ दैट इट कॉज्ड अ ग्रेट डैमेज टू फार्मर्स एंड वाउंडेड हिज पीपल्स हैंड्स। उसने देखा कि ये तो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है, क्योंकि ये कहीं भी उग जाता है, फार्मर्स ने अपनी फसलें उगानी है तो उनसे उखाड़ना मुश्किल हो जाता है, और अगर कोई इसको हाथ लगाता है तो उसके हाथ को ज़ख्मी कर देता है। तो वाउंडेड मतलब होता है ज़ख्मी करना, प्यूपल्स हैंड मतलब बच्चों के हाथों को ज़ख्मी कर देता है, मतलब इतना खतरनाक प्लांट था वो। सो ही डिसाइडेड टू फाइंड अ वे टू डिस्ट्रॉय इट। तो उसने एक ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश की कि जिसके ज़रिए इसको ख़त्म किया जा सके। लुमनी वॉज 63 ईयर ओल्ड, वो 73 साल का एक आदमी था। ही हैड नो साइंटिफिक ट्रेनिंग, उसको कोई साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं मिली हुई थी, वो एक नॉर्मल इंसान था, जैसे कि एक हेडमास्टर था स्कूल का, बस उसके पास साइंटिफिक ट्रेनिंग कोई नहीं थी। बट ही रिमेंबर्ड दैट एन इंसेक्ट हैड बीन यूज्ड इन ऑस्ट्रेलिया टू चेक द स्प्रेड ऑफ लेंटिना वीड। पर उसको याद आया कि ऑस्ट्रेलिया में जब लेंटिना वीड, लेंटिना जो जंगली घास था, उसको वो फैल रहा था, तो उसको चेक करने के लिए इंसेक्ट, एक कीड़े का यूज़ किया गया था। वन डे द विलेजर्स टोल्ड हिम टू प्लेस वेयर द बीड लुक्ड पेल एंड सिकी। एक दिन विलेजर जो गांव के लोग थे, उन्होंने उससे पूछा ऑफ अ प्लेस वेयर द वीड लुक्स पेल एंड सिकी। तो उन्होंने दिखाया कि कई जगह पे वो जो घास है जंगली, वो बहुत ही हल्का पेल और सिकी हो चुका है, बीमार हो चुका है।
लुमनी इंस्पेक्टेड द स्पॉट मिनटली. वो लुमनी तभी उसी जगह पे गया यूजिंग मैनिफेस्टिंग ग्लास. उसने उसको घास को परखने के लिए ग्लास का यूज़ किया एंड फ्लैश लाइट, उस पर फ्लैश लाइट लगा के देखी. फॉर डेज एंड नाइट्स द विलेजर थॉट दैट द हेडमास्टर वॉज मैड. अब वो रोज़ दिन रात इसी काम पे लग गया कि मैंने इस घास को, इस वीड को ख़त्म करना है. तो गांव के लोग सोचने लगे कि हेडमास्टर जो वो पागल हो गया है. एक तो उनका काम कर रहा है, ऊपर से वो बोल रहे हैं कि पागल हो गया है. वन डे ही स्ट्राइक द प्लांट विद हीज वॉकिंग स्टिक. एक बार उसने क्या किया, जाते जाते अपनी वॉकिंग स्टिक, मतलब जिसके सहारे वो चलता था हेडमास्टर, उसके साथ उसने उस प्लांट को उखाड़ दिया. ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड सेवरल स्मॉल इंसेक्ट्स फॉलिंग ऑफ एंड फ्लाइंग अबव. उसने देखा कि जब उसने वो घास को, वीड को जब अपनी वॉकिंग स्टिक के साथ उखाड़ा तो उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े निकले और वो उड़ने शुरू हो गए. They were of the size of pin head. Pin head मतलब हमारी जो छोटी छोटी सुइयाँ होती है ना सिर पे लगाने वाली, उनकी साइज़ के छोटे छोटे जो कीड़े थे. Later these were identified as telenomina. ये कीड़ों का नाम है जो आइडेंटिफाई किए गए थे. इट इज़ अ बग फाउंड इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका. ये एक बग था कीड़ों का जिसको सेंट्रल और साउथ अमेरिका में ढूंढा गया था. लुमनी वांटेड टू फाइंड इट इन दस इंसेक्ट वुड अटैक अदर प्लांट्स. तो लुमनी ये जानना चाहता था कि कहीं ये जो इंसेक्ट जो यहाँ से कीड़े इस प्लांट में से निकल रहे हैं वो दूसरे प्लांट को इफेक्ट तो नहीं कर रहे, दूसरे पे अटैक तो नहीं कर रहे, कहीं दूसरों साथ में दूसरे प्लांट्स को भी ख़राब कर रहे हों. इन ऑर्डर टू स्टडी इट्स हैबिट्स एंड लाइफ सर्कल ही डिस्ट्रीब्यूटेड बग इंसेक्ट विंग्स एंड लीव्स इन द टेस्ट एरिया. उसने ये जानने के लिए कि उनकी आदतें क्या हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उन बग्स का लाइफस्टाइल क्या है, तो उसने उन बग्स को डिस्ट्रीब्यूट मतलब फैला दिया और खुला छोड़ दिया टेस्टिंग एरिया में. विद द हेल्प ऑफ हिज स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट की सहायता से ही ट्रेवल्ड लॉन्ग स्केटरिंग इंसेक्ट्स ऑन फ्रूट वेजिटेबल्स एंड स्ट्रब्स. उसने क्या किया, अपने स्टूडेंट की सहायता से लॉन्ग ट्रेवल एक लंबी यात्रा की और उन इंसेक्ट्स को फैलाना शुरू कर दिया फ्रूट्स पे, वेजिटेबल पे और स्ट्रब्स पे. ही ड्रॉज मैप्स, उसने एक मैप बनाया. आफ्टर 3 years ऑफ हार्ड स्टडी ही फाउंड दैट, 3 साल की लंबी मेहनत के बाद, स्टडी के बाद उसने क्या देखा कि इंसेक्ट इग्नोर ऑल अदर प्लांट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ग्रू इन प्लेंटी ऑफ लेंट एंड स्नैप ओनली. तो उसने क्या देखा कि वो जो कीड़े हैं वो फ्रूट वेजिटेबल वाले जो पेड़ हैं उन पर बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाते. वो सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ लेंटिना जो पेड़ है, जो पौधा है उसके ऊपर ही रहते हैं. द वीड डाइड आफ्टर 3 years. तो उन कीड़ों की वजह से क्या हुआ, 3 साल में वो जो वीड्स थी, जंगली घास था, वो मर गया. द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कन्फर्म्ड लुमनी'स डिस्कवरी टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस. तो उसके बाद इंडियन ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, जो उसने कंफर्म किया कि लुमनी ने जो डिस्कवर किया था वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था साइंस में. मतलब एक सदी हो गई थी कि इंडिया इस प्रॉब्लम से जूझ रहा था, तो लुमनी ने स्टडी करके बग्स निकाले. बग्स क्या थे, वो किसी और प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, वो सिर्फ बीड्स जो जंगली जंगली घास था, लेंटिना कैमरा, उसको ही नुकसान पहुँचाता था. और 3 साल की लगातार स्टडी के बाद उसने ये ढूँढा था और उसकी इस स्टडी की वजह से इंडिया में जो लेंटिना कैमरा बीड्स थे वो सारे ख़त्म हो गए थे. तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इसको जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है साइंस में माना था. ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन किसने किया था, लुमनी, चंद्रशेखर लुमनी ने किया था. वो कहाँ का हेडमास्टर था, उत्तर प्रदेश का एक विलेज है उसका हेडमास्टर था. पौधे का नाम था लेंटिना कैमरा. कहाँ से लाया गया था, लेटन अमेरिका से लाया गया था. ठीक है, और बग्स है जो उसका नाम जो है आपने उसको याद कर लेना, ये बग का नाम है जो कीड़े उसमें मिले थे. ठीक है बेटा, अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा देती हूँ. ये समरी थी इस चैप्टर की, तो इसकी थोड़ी सी समरी देख लो डिटेल में. इंडिया इज़ बेस्ट बाय सो मैनी प्रॉब्लम्स दैट इट वुड सीम फॉर अस टू वरी अबाउट द डैमेज डन बाय अ लोयली.
वीड्स। तो इंडिया के पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम थी जो थी डैमेजिंग को, उसको ख़त्म करना जो बीड की वजह से हो रहा था। येट द विक्टियस लेंटिना कैमरा, ये क्या था, लेंटिना कैमरा था ओरिएंटल प्लांट जो कि लेटन अमेरिका से इंपोर्ट किया गया था एक सदी पहले। ग्रू सो थिक एंड वाइड सम रीजंस, कुछ जिलों में कुछ स्टेट्स में ये बहुत ही थिक और वाइड था, दैट नाइदर फार्मर नो लाइव स्टॉक्स नॉर इवन सम से एलिफेंट्स कैन प्रिटेंड इट। पर इसको ये इतना स्ट्रांग था कि इसको फार्मर्स या फिर लाइव स्टॉक्स जो होते हैं या फिर एलिफेंट्स होते हैं वो भी इसको उखाड़ नहीं सकते थे। 10 years ago, 10 साल बाद उत्तर प्रदेश के एक विलेज का स्कूल हेडमास्टर सामने आता है जो कि चंद्रशेखर लुमिनी है। वो डिसाइड करता है टू फाइंड अ वे टू डिस्ट्रॉय द प्लांट। वो इस प्लांट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ तरीके निकालने की कोशिश करता है, बिकॉज ही नोटिस द डैमेज इट कॉज फार्मर इन अ एरिया, क्योंकि ये जो फार्मर है, किसान है, उनके नुकसान का कारण हो रहा है। एंड बिकॉज हिज पर्पल्स कम टू स्कूल एवरी डे विद हैंड्स ब्लीडिंग फ्रॉम पुशिंग थ्रू द थिक्स, और जो बच्चे हैं जब वो स्कूल से वापस आते हैं तो रस्ते में जो बीड्स होते हैं उनको हटाने की वजह से उनके हाथों में से खून निकलना शुरू हो जाता है, तो उनके हाथ जख्मी कर देता है। लुमिनी देन 63 हैड नो साइंटिफिक ट्रेनिंग, 63 years old का था, उसके पास कोई साइंटिफिक ट्रेनिंग थी, हिज स्कूलिंग उसकी जो स्कूलिंग थी वो जिस स्कूल में पढ़ा था हैज़ हैड एंडेड आफ्टर द 7th grade, 7वीं तक पढ़ने के बाद उसने अपनी स्कूलिंग ख़त्म कर ली थी। बट ही रिकॉर्ड हैविंग लर्न्ड ईयर अर्लियर दैट एन इंस्ट्रक्ट हैड ओवर बीन यूज इन ऑस्ट्रेलिया एंड टू चेक द स्प्रेड एंड स्प्रेड ऑफ कॉक्टस। पर उसने कई सालों से पहले ही इंस्टेक्ट के बारे में सुना हुआ था, उन कीड़ों के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया में ढूंढे गए थे। नाउ ही रिस्पॉन्ड दैट अ पैरासाइट माइट बी इम्प्लॉयड टू कर्ब द लेंटिना बीड। तो उसको लगा कि ये रीज़न हो सकता है लेंटिना बीड को ख़त्म करने का, बट वेयर वुड ही फाइंड सच अ बेनिफिशियल बग। पर वो इन बग्स को लेके कहाँ से आएगा जो कि बीड को ख़त्म कर सकते हैं। तो वन डे विलेजर्स टोल्ड हिम टू स्पॉट वेयर द बीड लुक्ड पेल एंड सिकी। तो एक दिन जो गांव के लोग थे उन्होंने उसको बुलाया और जो घास था उसको दिखाया, एज इफ इट वर सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी। तो वो किसके साथ, मतलब वो जो बीड था वो पेल और सिकी, बहुत ही मुरझाया हुआ दिख रहा था। उसका कारण क्या था कि वो लेप्सोरी नाम की एक बीमारी से पीड़ित हो गया था। लेमोनी इंस्पेक्टेड द पैच फॉर डे एंड नाइट। अब लुमिनी को ऐसा लगा कि हाँ, इसको ख़त्म किया जा सकता है, तो वो इस काम के लिए दिन रात एक करने लगा। हंटिंग विद मैग्नीफिसाइंग ग्लास एंड फ्लैश लाइट फॉर इंस्टेक्ट एक्टिविटी। उसने क्या किया, ग्लास और फ्लैश लाइट की सहायता से इंस्टेक्ट थे जो कीड़े थे उनकी एक्टिविटी पे नज़र रखनी शुरू की। हिज सर्च फॉर पेस्टिसाइड वॉज कॉम्प्लिकेटेड बाय द नीड टू बी फर्टिव आफ्टर डार्क, सिंस विलेजर्स थॉट दैट द नाइट वॉकर्स वॉज अ साइन ऑफ इसेंट्रिसिटी एंड इवन मैडनेस। तो वो अपनी सर्च करता रहा, वो कॉम्प्लिकेट हो गई क्योंकि उसको अंधेरे के बाद और चीज़ों की ज़रूरत होती थी, पर विलेजर जो वो सोचते थे कि वो रात को घूमता रहता है, इसका मतलब ये है कि वो पागल हो चुका है। बट लेमोनी प्रिसिस्टेड, पर लेमोनी ने अपना काम जारी रखा। फाइनली ही टोल्ड टाइम्स में उसने बताया द न्यू दिल्ली ब्यूरो चीफ बिल स्मिथ, इन दिस बिल स्मिथ था जो चीफ था दिल्ली ब्यूरो का, उसको बताया कि इन डिस्पायर आई बींग स्ट्रिकिंग द प्लांट विद माई वॉकिंग स्टिक। वो कहता है कि मैं एक बार जा रहा था तो मैंने वॉकिंग स्टिक से उस प्लांट को स्ट्राइक किया, उस पर जोर से वो स्टिक मारी। टू माई सरप्राइज, तो मुझे बहुत हैरानी हुई, आई नोटिस सेवरल टिनी इंसेक्ट्स फॉलिंग ऑफ द स्कब एंड फ्लाइंग अबाउट। कहता है कि जब मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे छोटे छोटे उसमें से कीड़े निकले और उड़ने शुरू हुए। आई नेवर न्यू इंसेक्ट्स कुड बी दैट स्मॉल। मैंने ऐसे छोटे छोटे जो कीड़े हैं उनको कभी नहीं देखा। आई क्लैप्ड एंड शाउटेड, मैं चिल्लाया, आई हैव फाउंड इट। मेरे को लगा कि मैंने उन बग्स को ढूंढ लिया है। But he had found were insect to small size of pinhead later identified by entomological laboratories। उन छोटे छोटे इंस्टेक्ट को लेबॉर्ट्री में ले जाया गया जहाँ पर उनको पता लगा कि ये बग्स हैं जो उनका नाम
टेलीनोमिया है, हुज नेटिव हैबिटेंट इज सेंट्रल एंड जो उनका घर है वो कहाँ है, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में है। तो इस तरह से उसने वो बग्स ढूंढे। बिफोर लेमोनी कुड लूज हिज बग्स ऑन द लेंटोनी वीड, जब लेमोनी को उन बग्स को जब उन्होंने ढूंढा और उसके लेंटिनी वीड्स पे डालने की कोशिश की, ही वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर वेदर द वो जो बग्स हैं वुड अटैक अदर प्लांट। उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं लेंटिना कैमरा पे तो वो प्लांट वो बग्स को डाल दूं पर वो साथ में दूसरे वाले प्लांट्स को भी अटैक करें, क्योंकि वो इतने जंगली घास को खा सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वीले वेजिटेबल्स फ्रूट्स वाले पेड़ तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। सम इनफैक्ट वार्न हिम दैट द इंसेक्ट माइट कॉज ट्रबल फॉर क्रॉप्स एंड टीक्स आर रिलेटिव ऑफ द वीड। कहता कि उसके साथ साथ कहीं वीड के साथ साथ वो क्रॉप्स को नुकसान ना पहुंचा दे। लेमोनी अनलिस्टेड द हेल्प ऑफ हिज स्टूडेंट, उसने अपने बच्चों को इकट्ठा किया स्टूडेंट को, हु डिस्ट्रीब्यूटेड बग इंस्पेक्टिंग्स एंड लीव थ्रू आउट अ टेस्ट एरिया। एक टेस्ट एरिया बनाया गया जिसमें बहुत सारे और पौधे भी रखे गए फ्रूट और वेजिटेबल के, और उन बग्स को उन पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। वाइल ही हिमसेल्फ वॉक मोर देन 100 माइल्स ट्रैकिंग द इंस्पेक्ट्स ऑफ 18 काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, 21 वेजिटेबल्स, 24 स्कब्स, 66 फ्लावर्स एंड 37 फॉरेस्ट ट्रीज। तो 1000 किलोमीटर लेमोनी चल के उसने 18 किस्म के फ्रूट्स ढूंढे, 21 किस्म की उसने सब्जियां ढूंढी, 24 किस्म की उसने स्कब्स ढूंढे, 66 किस्म की उसने फ्लावर्स ढूंढे और 37 किस्म की उसने फॉरेस्ट ट्रीज ढूंढे और उनको लाके टेस्टिंग एरिया में रखा। ही ड्र्यू मैप पिन पॉइंटिंग वेयर द बग्स हैड बीन रियलाइज्ड एंड स्टडीड देयर हैबिट्स एंड लाइफ साइकिल। तो उसने क्या किया, जब वो बग्स को उन पे फैलाया तो उसने एक मैप बनाया और उसमें बग्स की स्टडी की, उसके हैबिट्स क्या क्या है, उनका लाइफ स्टाइल क्या क्या है। आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ पेनस्ट्रिकिंग स्टडी, बहुत ही हार्ड स्टडी करने के बाद 3 साल के बाद लेमोनी सफर्ड हिज एविडेंस, तो उसको अपना एविडेंस मिला। ही फाउंड दैट द पैरासाइट्स डिड इग्नोर, उसने देखा कि वो जो बग्स हैं उन्होंने फ्रूट वेजिटेबल ट्री और फ्लावर सब किसी को तो नकार दिया। इन शॉर्ट एक्सपेक्ट द लेंटिनी बीड, सिर्फ वो लेंटिनी बीड को खाते थे। ऑन दोज हु स्वैप्स दे थ्रिबल्ड हैप्पीली, वो ये देख के बहुत खुश हुआ। अनटिल आफ्टर 3 ईयर्स द बीड डेड, और 3 साल के बाद वो बीड थे जो उन बग्स और इंसेक्ट की वजह से मर गए थे और इंडिया में वो बीड्स हैं जो वो ख़त्म हो गए थे। ठीक है बेटा, तो ये आपको चैप्टर समझ में आ गया, वेरियर्स अगेंस्ट बीड्स। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं से प्रॉब्लम लग रही है तो आप मेरे को कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, आप इसको इस वीडियो को अच्छे से 2-3 बार देख लो, सारा चैप्टर समझ लो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लो। ठीक है बेटा, कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप इस चैप्टर को समझ लो, रिवाइज कर लो, ताकि आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी, कल वाले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस शुरू करेंगे। क्वेश्चंस करने के बाद हम जो है नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके बेटा, कमेंट में आप मेरे को बता सकते हो कि आपको चैप्टर समझ में आ गया या नहीं आ गया, कहाँ से कोई प्रॉब्लम लगी या नहीं लगी, आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।